सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारदे आं हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान विरुद्ध राजपाल की टिप्पणी नूं मंदभागा करार दिता। अरोड़ा ने राजपाल नूं भविख विच अजिहे बयानां तों गुरेज करन दी कीती अपील। पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अपने खेतों की पराली खुद सांभ के किसानों नूं दिता अहम सुनेहा, कहा पराली साड़न तो गुरेज करन किसान। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमरीका विच कातल किए गए पंजाबी परिवार के कातलों लई मिसाली सजा की कीती मंग। धालीवाल ने पीड़ित परिवार के रिश्तेदार नाल कीता हमदर्दी का प्रगटावा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वल्लों मुख्यमंत्री भगवंत मान दे राजपद्धरी समागम विच गैर हाजर रहण उत्ते कीती गई तिखी टिप्पणी उत्ते तिखा प्रतिकरम दिंदिआं पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राजपाल वल्लों गवर्नर हाउस तों इस तरह की सियासी टिप्पणी करना बहुत ही मंदभाग है। अमन अरोड़ा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री मान दा समागम पहलां तों तय सी अते उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चंडीगढ़ फेरी दौरान मिलन अते स्वागत करने लई उन्होंने तैनात किया। उन्हें कहा कि वह पांच होर कैबिनेट मंत्रियों अते सारे सीनियर अफसरां नाल हवाई सेना दिवस मनाने लई समागम विच शामिल होए। इस दे बावजूद माणयोग राजपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ यह मंदभागी टिप्पणी की है। उन्होंने राजपाल नूं अपील की कि वह भविख विच अजिहे सियासी बयानों तों गुरेज करन। पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अपने पिंड जगदेव कलां विखे अपने खेतों में झोने की वाढ़ी मगरों खुद ट्रैक्टर चला के खेतों की पराली नूं सांभिया। उत्थे ही मंत्री धालीवाल ने पराली बेलर नाल गंढा बन्न के सांभी। इस मौके उन्होंने पंजाब दे सारे किसानों नूं अपील की कि वह आपो अपने खेतों में झोने की पराली साड़न की थां सांभण लई अगे आउण। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी विभाग इस तरह की कार्रवाई लई हर तरह की मदद करने लई तैयार है। उन्हें कहा कि यह काम उन्होंने अपने आप लई नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविख नूं ध्यान विच रखते हुए किया है। मैं खुद अपने मेरा पिंड जगदेव कलां जिला अमृतसर दे विच मैं अपनी जमीन दे विच खड़ा जी। चार पांच दिन पहला झोना अपना वढाया सीगा जी। अज पराली सामभ ली मेरे पिंड दे इक बड़े गांह वधू किसान ने जीत सिंह होने उन्हां को यह बिल सारे संद ने उन्हां को लिया के जिहड़ा पराली सामने की मतलब जी आप लगे और इस करके के क्योंकि मैं कभी पराली नहीं साड़ता पिछले साल कभी नहीं साड़ी पर अच्छा मैं सोचा कि इन्हें बेलर का बन के आप सामभ के रखते हैं क्योंकि मेरे को डंगर है 6-7 डंगर है 2-3 गाइया 2-3 मझा तो मैं सब लोगों को अपील करनी चाहता कि पराली प्लीज अग ना लाओ। पराली अग लाओगे धूं साढ़े अंदर जाऊगा साढ़ा नुकसान होगा। इस करके मैं खुद क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री हाँ खुद अपने खेतों के खुद अपनी पराली सामभ रहा सब नू बेनती करूंगा कि बहुत वधिया संद है ये बिल एडा वधिया संद है। तुसीं देखिया कि किन्नी वधिया पराली बनता है और पराली हुण साल दी खराब होणी जिहड़ा साडा गुज्जर भाईचारा वो सारे लोग इदां ही पराली सामभदे सो मेरे को भी 5-6 किले सारे पिछे तों ही देख रहे सारी अपनी पराली आप बन के अपने पशुआं वास्ते जिहड़ी ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮਰਸਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस तो पहला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारा साहब विच मत्था टेकया ते अरदास करके आशीर्वाद लिया। इस मौके वड्डी गिणती विच हाजिर संगतां नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि सूबा सरकार ने सिखां दीआं भावनावां दा सत्कार करदिआं हरियाणा विच वक्खरी सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाउण दी सुप्रीम कोर्ट विच चंगी वकालत कीती है, जिस दे नतीजे वजो हरियाणा दी सिख संगत दे हक विच फैसला आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दे हुक्म अनुसार गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां 18 महीनिआं विच करवाईआं जाणगीआं। उदों तक एडहॉक कमेटी सिस्टम की देखरेख करेगी। कमेटी विच सरकार दा कोई दखल नहीं होवेगा अते चोण तो बाद एडहॉक कमेटी अपना काम चुनी गई कमेटी नूं सौंपेगी। उन्हें कहा कि पंचकूला विच HSIDC दा प्लांट नाडा साहब गुरुद्वारे नूं देण दी गल चल रही है। इस संबंध में अंतिम फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। समागम दौरान हरियाणा की वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी लिए संघर्ष करने वाले आगू जगदीश सिंह झींडा, दीदार सिंह नलवी, जथेदार भाई बलजीत सिंह दादूवाल समेत अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी और सिख पंथ दीआं वख-वख संप्रदावां दे मुखी संत समाज और वड्डी गिणती विच पंजाब ते हरियाणा दी संगत मौजूद रही। द्वारा प्रबंधक कमेटी जो हरियाणा की अलग से कमेटी बनने का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय दिया है और उस निर्णय में यहाँ की कमेटी को मान्यता मिली है और इस मान्यता के मिलने से ही पूरा हरियाणा का सिख समाज सभी उसमें संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अपनी योजना से सब गुरुद्वारों की प्रबंध की व्यवस्था, चाहे वो गुरुद्वारा परिसर के नाते से हो या यहाँ पर कोई शिक्षा के नाते, स्वास्थ्य के नाते अथवा अन्य सेवा कार्यों के नाते, ये प्रबंध व्यवस्था में सब लोग अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वैसे एक्ट जो बना था उसके अनुसार 18 महीने का जो समय दिया गया था वो चूँकि कोर्ट की कार्रवाई के कारण से वो लैप्स हो गया। अब एक नई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडॉक बेसिस पर बनाने के लिए एक संशोधन किया जाएगा और संशोधन के हिसाब से सभी जितने भी मेंबर्स हैं, पूर्व मेंबर में हैं, चाहे सबका प्रेसिडेंट हैं, चाहे वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, चाहे अन्य पदाधिकारी हैं, उन सब से विचार विमर्श करके और हरियाणा के सिख समाज की एकता के रूप में और एक डेमोक्रेटिकली सेटअप जैसे होता है उस हिसाब से एडॉक कमेटी बनेगी। पुनः 18 महीने का उसको समय दिया जाएगा और उस 18 महीने के बाद जो नई कमेटी चुनाव होकर के आएगी, पुरानी एडॉक कमेटी उनको वो जो है उसको जो है हैंडओवर कर देंगे सारा चार्ज। इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है एज पर एक्ट वो सारी की जाएगी। चुनाव के लिए कमीशन बनेगा और एक अलग से व्यवस्था के नाते से भी दो अलग अलग कमेटियाँ बनेंगी, तो वो सारा जो भी संविधान जो भी एक्ट संबंधित सम्मत चीज़ें हैं वो सब की जाएंगी। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं पूरे समाज का और पूरे जो भी हमारे ग्रंथि हैं, जो हमारे डेराज के जो संत समाज के लोग हैं, जो जथेबंदियाँ हैं उनके पदाधिकारी हैं और प्रबंधक कमेटी के जो जितने सदस्य हैं उन सब का भी मैं आभारी हूँ कि सब ने एकता दिखा करके आज इस विषय को लेकर के और एक हरियाणा सरकार को पूरी मान्यता दी है कि सही व्यवस्था करने के लिए जो आवश्यक है वो करें, सबको साथ लेके चलें और ये हमने भी विश्वास दिलाया कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। देखो, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की कृपा, अकाल पुरख परमात्मा की जो हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने हरियाणा ले इतिहासक गुरद्वार गुरधामों की सेवा संभाल का कानूनी हक मिलया, कानूनी मानता मिली है, वो सतगुर का शुकराना किया गया। श्री अखंड पाठ साहब परसों रोज तो आरंभ सन, जिन्हां दे अज भोग पाए गए ते कथा कीर्तन दरबार होया। श्री अखंड पाठ साहब की सेवा हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब वालों हुई है, उन्होंने आरंभ वेले भी हाजरी भरी, भोग ते भी हाजरी भरी और अज जिहड़ा सुकराना समागम सी उहदे विच भी हाजरी भरी ते संगतां नूं संबोधन किया। बहुत सारे संत महापुरश वख-वख संप्रदावां तों, टकसालां तों और निहंग सिंह जथेबंदियां कार सेवा वाले महापुरश, हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान, धार्मिक राजनीतिक आगू साहबान बहुत वड्डी गिणती दे विच इत्थे पहुँचे आ ते संगतां जिहड़ियां ने पहुँचियां ने सारिआं दा दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद करदे आ। जिन्ने भी हुम हमा के इत्थे आए अज गुरु का शुकराना किया गया ते गुरु का शुकराना सफल हुंदा, वाहिगुरू ने कृपा कीती आ। असीं अकाल पुरख वाहिगुरू का शुकराना करदे आ कि जिन्हां ने हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपने हरियाणा विचले गुरुद्वारों की सेवा संभाल दा हरियाणे दीआं संगतां नूं हक बख्शिया। जी की लगता जिस तरीके श्रोमणी कमेटी वालों रोस मार्च कढ़े जा रहे हैं ते
देखो ये बिल्कुल बेतुकी बयानबाजी आ। कोई सिख नहीं वंडिया गया, कोई अकाल तख्त नहीं वंडिया गया। अकाल तख्त भी साडा उही है, गुरु भी उही है। ये गुरधामां दी सेवा संभाल। जे तो सुप्रीम कोर्ट जां हरियाणा सरकार गुरद्वारियां दा प्रबंध किसी गैर सिखां नूं दिंदे तां असीं भी विरोध करदे। मन लिया जांदा कि जिहड़ा ये सिखां दी मंदरां दा प्रबंध साडे ब्राह्मणां ने करना है, मस्जिदां दा प्रबंध जिहड़ा मुसलमानां ने करना है, चर्चां दा प्रबंध ईसाइयां ने करना है, तो गुरु घरां दा प्रबंध सिखां ने करना है। हरियाणा 'च भी सिखां नूं, सिख संगतां नूं ये सेवा दित्ती गई है। ये उही सिख ने, उन्हां परिवारां दे अगे वारस ने जिन्हां ने पहलां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई सी, जिन्हां ने संघर्ष लड़िया सी। उन्हां योधियां दे परिवार हरियाणे 'च वसदे आ। सरदार करतार सिंह झब्बर दा परिवार हरियाणा 'च वसदा। होर सारे जिहड़े योधे सी जिन्हां ने श्रोमणी कमेटी बनाउण लई योगदान पाया सी, उन्हां दे परिवार इत्थे वसदे आ। सो ये हरियाणा दे सिखां नूं सेवा संभाल जिहड़ी आ उह मिली आ। इहदे वास्ते कोई बेतुकियां बयानबाजियां नहीं करनियां चाहीदियां। पंथक अते पंजाब दी राजनीति विच वापरे अहम धार्मिक अते राजनीतिक घटनाक्रम विच परमजीत सिंह सरना दी अगवाई वाली अकाली दल दिल्ली दा श्रोमणी अकाली दल विच रलेवां हो गए। इस घटनाक्रम नूं सिख अते पंजाब दी राजनीति विच अहम मोड़ उत्ते धार्मिक सियासी तौर उत्ते खेड बदलण वाला करार दिंदिआं श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने सरदार परमजीत सिंह सरना नूं पार्टी की दिल्ली इकाई का प्रधान नियुक्त करने का फैसला किया है और उन्होंने पंथ में एक पंथक झंडे थले एकजुट करने वास्ते मुहिम विढ़ने लिए आख्या। इस मौके पंथक मेल समागम में संबोधन करदिया सरदार बादल ने सरदार सरना कहा कि होर राज्यों में पार्टी इकाइया स्थापित कर। इस ही परमजीत सिंह सरना ने कहा कि उन्होंने कदे भी अकाली दल नहीं छड़िया, हुण भी वह पार्टी के वफादार सिपाही ने। उन्हें कहा कि उन्होंने हमेशा पंथ के भले वास्ते काम किया है, उन्होंने सौंपी गई नवी जिम्मेवारी निभाद्या अजिहा करते रहेंगे। इस मौके होरना तो इलावा श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, सरदार सुखविंदर सिंह बब्बर, सरदार गुरमीत सिंह शांटी, बीबी रणजीत कौर ते होरना ने भी विचार प्रगट किए। सो अज मैं दिल दी गराइयां तो सरना साहब नूं, साथ परमजीत सिंह सरना जी, सर हरविंदर सिंह सरना जी, समुची टीम नूं मैं वधाई देना चाहुंदा। तुसी बहुत वड्डा कदम किया, बहुत वड्डा पंथिक एकता का जिहड़ा तुसी सबूत दिता है, मैं दिल दी गराई उहदे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान होण दे नाते थोड़ा धन्नवाद करदा है। नाले मैं अज एक ऐलान भी करना चाहुंदा, मैं इन्हां नूं श्रोमणी अकाली दल दी दिल्ली स्टेट सारा दी प्रधान दी जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी हुण ते मैं इन्हां नूं आज भी बेनती करांगा कि कल्ला दिल्ली स्टेट नहीं, बाकी स्टेटां च भी जाके पंथ नूं कट्ठा करन, सारी कौम नूं कट्ठा करन, एक झंडे थले आपां कट्ठे होईए। तुसी कट्ठे हो जाओ, थोनू कोई थोड़े तरफ कोई झाक नहीं सकता। मैं तुहानू इन्ना दस देना, थोड़ी कौम की बहुत वड्डी ताकत है। गैंगस्टर तो सियासतदान बने लखा सुधाणा की बड़क मगरों पंजाब पुलिस ने यू टर्न ले लिया। तरन तारण जिले की पुलिस ने फिरौती मंगण के मामले में थाना हरीके दर्ज एफ आई आर विचों लखा सुधाणा का नाम हटा दिता है। लखे के हमायतियों ने इस लैके संघर्ष बिड़न का ऐलान किया। दस दिए कि करीब एक महीने बाद तरन तारण पुलिस ने यह यू टर्न लिया। अज लखा सुधाणा की हिमायत में पिंड महराज की अनाज मंडी में वड्डा इकट्ठ किया गया। इस मौके इंसाफ पसंद लोगों ने लखे सुधाणे नाल एकजुटता का इजहार किया। इस मौके संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान, सिद्धू मूसेवाल के पिता बलकौर सिंह, बारिश पंजाब के संस्था के आगू भाई अमृतपाल सिंह, किसान आगुआ समाज सेवियों ने संगतों के वड्डे इकट्ठ को संबोधन किया। लखा सुधाणा के समर्थकों ने चुनौती दी कि जिन्हें मर्जी परचे करवा लो, उन्हों की जुबान बंद नहीं कर सकते। बहुत वधाई दे पात्र जो जेड़े अपने रजेव्या चो समा कढ के इत्थे पहुंचे, जो एक नौजवान दे पिछे जेड़ा नौजवान पंजाब दे हक्कां दी गल करदा नताड़क हो के, ये जेड़ा परचा हुकूमत ने पाया है, ये तुसी ये नहीं समझना भी कल्ले लखे सुधाणे दे उत्ते परचा पिया। ये परचा हुकूमत ने हर उस नौजवान ते पाया है जेड़ा हुकूमत दे दाबे नूं नहीं चलदा, जेड़ा हुकूमत दे अगे
वंगार के खड़ता है। यह परचा हर उस नौजवान से है जिहड़ी सरकार है जिहड़ी हुकूमत है उन्हें कोशिश की है उन्हें एक परचा पाया भी दे वेखते हैं भी पंजाब के जिहड़े नौजवान ने इन्हां दी नब्ज टो के वेखो भी इन्हां ते एक झूठा परचा पा दिओ ते ये बाज कट्ठे होंदे कि नहीं होंदे। हुण तुसी कट्ठे होए जो लखे सधाणे की मदद के पिछे जो पिछे खड़न ली मेरी एक तुहानू बेनती है भी अपना जो कुछ भी हैगा है पंजाब दे विच जो साडे नाल धक्का हो रहा है लखे दे पिछे खड़ गए हाँ एक मशहूर चेहरा है पर तुसी अपने मना च एक गल सोच के वेखो कई ऐसे सैकड़े नौजवान होने जिन्हां दे झूठे परचे पए आ जिहड़े जेलां च रुल रहे आ जिन्हां दे पिछे कोई खड़ नहीं सकदा क्योंकि लोगों नूं पता नहीं। सो हुकूमत नूं असीं इह गल कहनी चाहुंदे आ भी एक पासे तुसी नारे दिंदे जो भी भाई मुख धारा च शामिल हो जाओ गैंगस्टरां नूं तुसी कहिंदे जो भी छड्ड के बंदूकां ते समाज च आ जाओ ते जे कोई समाज च आया तो उन्हों तुसी झूठे परचे पा के मजबूर कर दे जो भी फिर वह काम से तुरे। सो तुसी जे ते नौजवानों नूं वाकई चाहुंदे जो भी नौजवान मुख धारा च रहन शांतमई रह के संघर्ष करन ते फिर जड़ा टोट हो के सानू वेखदे जो वेखना बंद कर दिओ ये ना सोचो भी साडा खून कितें चिट्टा हो गया जां सानू लड़ना नहीं आउंदा। मैं पार्लीमेंट दे विच गए पर तुहानू पता है कि मैनू बोलन की इजाजत नहीं दिती गई ते बोलदी कौन है सिर्फ ते सिर्फ वध गिनती जिसने हिंदुस्तान की सियासत के उत्ते कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट दे विच 543 मैंबर पार्लियामेंट है ते ये नहीं सोचते कि जे सिखा ने एक मैंबर अपना सिमरनजीत सिंह मान भेजे इन्हू भी इजाजत दिती जाए अपने कौम की दुख ते तकलीफ दसन दे लई। ये सारा माल बिल्कुल खप्त होया होया है। आज बेटे नू संसार तो गया नू 4.5 महीने हो गए ने 4 महीने हो गए सानू हर संडे नू थोड़ी हजारां दी गिनती च आवाम दा पहुंचना इन्हां लई सरदर्दी बनिया होया है। जे कोई सच की गल करदा वो इन्हां दे अखां दे विच चुभदा है। यही गल मैं जे लखे वीर ते लावां पिछले 5-7 दिन तो मैं सुन रहा सी पर सेहत नहीं अलाउ करती सी अज भी धक्के नाल मैं कोशिश की है भी हाजरी लगनी बहुत जरूरी है। वीरो हरेक चीज़ का हल परचा नहीं है और लखा यहोजा किहड़ा काम करता भी जिहदे ते परचा दे दिता जाए। सो जदों तो मैं गल सुनी मन बड़ा दुखी होया अज थोड़े विच आ के मेरे मन नूं भी काफ़ी शांति मिली है। जे मैं अपनी गल करदा एडी बड़ी समुची इंडस्ट्री कतल तो बाद बिल्कुल सुनसान छै करके बैठ गई किसी नूं कोई फर्क नहीं पिया। ये जिहड़ा कोई आवाज़ उठाउंदा है उहनूं बड़ी आसानी नाल मार दिता जांदा है। मैं लखे नूं भी कई बार बेनती मैं डरदा हुंदा एक बाप होण दे नाते मेरा मन डोलदा है भी पुत मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए ध्यान रखी सच बोलन वाले का कम दीप तो चलिया 6 महीनों के असी 3 दीप गवा लिया है। की गल जिहड़ा बच्चा भी थोड़ी जी ग उच्ची गल कर लगता वह सिर कलम कर दिता जाता है और उस तो बाद कुल दुनिया का गुंडा लिया के पंजाब दे विच बाड़ता जदों गल सज़ा दी आउंदी है तो वह दिल्ली जाके सज़ा कट्टनी पसंद करता है। की गल है जे जे जुर्म पंजाब दे विच करदे हो तो पंजाब दे विच जेल कट्टण दे विच तुहानूं की दिक्कत है। इत्थे सुखे कालों का कतल कित्थे होया सी पुलिस हिरासत दे विच की बनिया वह केस का बरी हो गया क्योंकि इन्हां बंदियां दे हाथ जिहड़े मारिया जिन्हां ने सिद्धू मारिया जां जिन्ने पंजाब दे विच कतल होए है उन्हां दे पिछे कल्ले ये बंदे नहीं इन्हां दे पिछे एजेंसियां भी खड़ियां ने ये भारतीय एजेंसियां का काम है। हुण तुसीं देख लिओ आउण वाले दिनां दे विच लॉरेंस वर्गियां नूं कित्थे लिजाया जाऊ तिहाड़ लेके जाणगे पहले केस पा के कोई माड़ा मोटा
दिल्ली पुलिस जाऊगी तिहाड़ रखा जाऊगा, क्योंकि तिहाड़ इन्हां लई कोई जेल नहीं है, इन्हां दा घर ही है जिथों बैठे ये सारा अपना काम धंधा चलाउंदे आ। अज इत्थे की हो रहा है, मुकदमा दर्ज होया, इन्हां ने मुकदमे दे विचों ना कढ दिता गया, बेगुनाह कर दिता गया। यह जिहड़ा मुकदमा दे विचों मैनू बेगुनाह किया गया, यह आ सोडे लोकां दी जित है, सोडे एके दी जित है, सोडे सहयोग दी जित है। पहला जदों दिल्ली ने भी सिर ते लख रुपया नाम रख्या सी तां मैं अपने पंजाब दे लोकां नू आवाज मारी सी, तां ऐसे धरती दे उत्ते तुसी मेरे नाल आके खड़े सी ते बंगारिया सी दिल्ली नू भी, ते आ मेरा पंजाब ही कहिंदा सी कि आ खड़ा लखा हद ला के दिखाओ। सोडा नाल खड़ना, सोडा हौसला देना मैनू अगे वध के लड़न लई प्रेरदा है। मैनू भी लगता हाँ मेरे लोग पंजाब दे मेरे नाल खड़े ने। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कतल केस विच इंसाफ दी मंग नू लैके पंजाबी गायका जैनी जौहल दा नवां गीत यूट्यूब उत्ते ब्लॉक कर दिता गया। गीत नू ब्लॉक करन दा कारण कॉपीराइट विवाद दस्सिया गया, पर तुहानू दस दईए कि इस गीत नू ब्लॉक होण तक 2.32 लख लोक वेख चुके सन। उधर सिद्धू मूसेवाल के मापे जैनी जौहल के हक में डट गए ने। मूसेवाल के पिता ने कहा कि जैनी जौहल ने अपने गीत में सच बोले और इंसाफ की मांग की है, उस खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारियां की जा रही ने। उन्हें कहा कि जेकर उस लड़की नू कोई नुकसान पहुँचता है तो उस लई असीं सारे जिम्मेवार होवांगे, क्योंकि साडे विच सच बोलण की हिम्मत नहीं है। जिथों तक मैं पंजाबी इंडस्ट्री की गल करा, मैं दो गल करनी, मैं ज्यादा बोलना नहीं है। तो सारी इंडस्ट्री चुप है, छड़ के एक बार रुपया गल कर। उन्होंने जो दो आर्टिस्ट ने कोशिश की सिद्धू के हक के हर नारा मारने, यकीन करो दोवें कुड़ियां ने, और उन्हें कुड़ी ने कोई सॉन्ग गाया लेटर टू सी है, वो इतने आई है, उन्हें साढ़े दुख दर्द न समझ असी कि रात को तिल तिल करके उठ उठ के रोने हैं, उन्हें साढ़े इतों के मंजर में बखूबी साढ़े बिच रह के खंडाया महसूस किया, अपने कागज से हाथ रख के जो उन्हें चार बोल लिख दिते तो सरकार जी सुनने औखे हो गए। ये परजा है, सानू कोई तकलीफ आऊगी तो हाकमों थोड़े कन्ना तक गल पहुँचावे, असी साढ़े वेड़े बैन ने, साढ़े वेड़े पिटने ने, ये आवाजा तो थोड़े तक पहुँचनी है, और ये बैन थोड़िया मलेटियां करके भी ने। तुसी अपने ड्यूटी तो कितों मिसप्लेस होए हो, जे कोई अज साडे हक दे विच हारा नारा मारदा है उन्हूं भी परचे दीआं धमकियां ने। पर मैं सरकार दी तुहाडे मूहरे हथ बन के बेनती करदा, कुड़ी ते परचे कर दिओ दस, पर साडा नाम दोनों दा मियाँ बीवी दा विच लाजमी पा दिओ, असीं जेल दे विचों कुड़ी दे नाल बैठे। पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच फिलहाल इन्ना ही, जांदे आंदे नज़र मारदे आं मौसम दे हाल उत्ते। धन्नवाद।